नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। यहां आप जो लोगो देख रहे हैं वो क्या बीजेपी का लोगो है? लगता तो यही है कि ये लोगो बीजेपी का है, लेकिन जी नहीं, ये लोगो है G20 शिखर सम्मेलन का। G20 शिखर सम्मेलन अभी बाली में चल रहा है, इंडोनेशिया के बाली शहर में चल रहा है, और अगले वर्ष ये शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है। भारत को इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दी जाने वाली है, और भारत में शिखर सम्मेलन होते वक्त जो लोगो वेबसाइट बनाई गई है उसमें इस लोगो को फाइनल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोगो को का उद्घाटन किया, इसका विमोचन किया। अब इस पर विवाद हो गया है कि ये लोगो G20 देशों का है या भारतीय जनता पार्टी के किसी आयोजन का। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के रंगों का प्रचार करने का मौका न मिले, जब उन्हें भारतीय रंगों के अलावा कमल के फूल का प्रचार करने का मौका मिले तो वे कोई मौका नहीं छोड़ते। ये उनकी खूबी है और इसीलिए इस तरह का लोगो बनाया गया है। आप उसे देखिए, इस लोगो में वसुधैव कुटुंबकम लिखा है, इस लोगो में हरे और केशरिया रंग का इस्तेमाल किया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे के रंग हैं, और कमल के फूल में 7 पंखुड़ियां दिखाई गई है। हालांकि बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाले कमल में 5 पंखुड़ियां हैं, लेकिन तर्क यह दिया गया है कि ये 7 पंखुड़ियां दुनिया के 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं और कमल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसलिए कमल की तस्वीर यहां दी गई है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। दुनिया के और देशों में तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, लेकिन भारत के ही कुछ विरोधी नेताओं ने इस पर तंज कसा है और कहा है कि प्रधानमंत्री जी, G20 देशों के समूह में तो जाकर बीजेपी का प्रचार मत कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये कमल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, हमारी प्राचीन ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी प्रधानमंत्री बाली गए हुए हैं जहां वे स्वास्थ्य, ऊर्जा, खेती और कोरोना के बाद के हालात पर निपटने के लिए दुनिया के अन्य 19 देशों के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। इन 20 देशों में जो G20 ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20 जिसका नाम है, इन देशों में चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब, यूरोपीय संघ, मेक्सिको, ये तमाम देश शामिल हैं। ये तमाम 20 बड़े देश दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया की टोटल GDP में इनका योगदान 85% है। तो कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा संगठन है और हमारे प्रधानमंत्री इस बड़े संगठन के प्रमुख बन रहे हैं, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। आगामी 1 तारीख को वे अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, अपना दायित्व ग्रहण कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 का ये लोगो बड़ा ही अर्थपूर्ण है। जी के बाद जो 20 G2 लिखा गया है और 0 की जगह पृथ्वी बनाई गई है, उसका अपना महत्व है। ये बताता है कि पृथ्वी कितने नाजुक मोड़ पर है। लोगों में पृथ्वी को कमल के फूल पर टिका हुआ दिखाया गया। प्रधानमंत्री का कहना है कि कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, यही बात राजनाथ सिंह ने भी कही। राजनाथ सिंह का कहना है कि कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प तो है ही, हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की लड़ाई के वक्त भी क्रांतिकारी कमल के फूल का उपयोग करते थे। एक दूसरे का परिचय देने के लिए क्रांतिकारी कमल का फूल और रोटी का आदान प्रदान करते थे, जिससे जाहिर है कि कमल का फूल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, किसी की निजी धरोहर नहीं है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि 70 साल पहले जब कांग्रेस के झंडे पर कमल के फूल का प्रस्ताव आया था तब उसे अस्वीकार कर दिया गया था। साथ ही जब स्वास्तिक लगाने की बात आई थी तब भी कांग्रेस ने अपने झंडे पर से स्वास्तिक का चिन्ह यह कहते हुए मना कर दिया कि स्वास्तिक एक धर्म विशेष का चिन्ह है, इसलिए उसका इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते। तो निश्चित ही यह बधाई की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समूह के प्रमुख होने जा रहे हैं।
यानी भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है और ये प्रस्ताव है कि G20 का शिखर सम्मेलन भारत के अमृतसर शहर में 15-16-17 मार्च को किया जाएगा। इसके लिए अमृतसर में अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। इस सब के बीच एक बहुत अच्छी बात ये कही जा सकती है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए गुजरात का कोई शहर चुनने के बजाय अमृतसर को चुना है, जो आप शासित प्रदेश है, आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार है, किसी बीजेपी शासित राज्य की सरकार वहां नहीं है। स्वागत योग्य बात है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रहे।